जब बारिश होती है पानी आता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पानी निकल जाता है। जब कोई अच्छी चीज हो जाती है तो वो कहते हैं हमने किए, जब बुरी चीज होती है तो वो इल्जाम हमारे ऊपर लगाते थे। देखिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब इस वक्त पहुंचे हैं नागन चौरंगी और अभी रात के तकरीबन 1 बज रहा है और इस वक्त यहाँ मौजूद हैं ये और सूरतेहाल का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेरे चाची मुर्तजा वहाब साहब क्या बात कर रहे हैं। ये देखिए नाले का विजिट कर रहे हैं इस वक्त, और यह जो भी सूरतेहाल का अपना जो ख़राब है उसकी यहाँ पर सूरतेहाल का जायजा ले रहे हैं। और मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ये देखें, ये इस वक्त नाले का हाल है और इसका ये जायजा ले रहे हैं। तो पावर हाउस चोरंगी का भी बुरा हाल है। सर सर ये बताएं नागन चोरंगी का और पावर हाउस चोरंगी का यही हाल होता है हमेशा, तो उसका इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए पानी जब बारिश होती है पानी आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पानी निकल जाता है। आपने नालों की सफाई की तो उसी की वजह से नाले के यानी पानी निकल पाया और आज आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने वो तस्वीरें तो चलाई क्योंकि पानी है यहाँ पे, वो तस्वीर नहीं चलाई, वो वीडियो नहीं चलाई कि पानी यहाँ से निकल गया है। रात के इस पैर मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, हमारे जो लोकल पार्टी के कारकुनान है वो यहाँ मौजूद है, दिल मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद है, वो लोग जिन लोगों ने वोट लिए हैं यहाँ से, जिन लोग को इज्जत दी इस इलाके ने, टाउन चेयरमैन वगैरह बने। जब कोई अच्छी चीज हो जाती है तो वो कहते हैं हमने किए, जब बुरी चीज होती है तो वो इल्जाम हमारे ऊपर लगाते थे। कल तक जब यहाँ पानी नहीं जमा हुआ था तो कह रहे थे कि जिस जगह पे जमात जीती है वो जगह ठीक है, आज उसी जगह पे आपने पानी खड़ा हुआ देखा तो आज क्या जमात गलत है? इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ अपनी तनकीद करना खत्म करें, फोकस काम के ऊपर करें। पीपल्स पार्टी काम करना चाहती है, अगर रात के इस पहर मैं मौजूद हूँ, मेरा अमला मौजूद है, पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद है, ये शो करता है कि सब जमात इस्लामी वाले मौजूद नहीं है, पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद है, शो करता है कि हम काम करना चाहते हैं और लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। देखें अभी यही बोला भाई, हम काम करना मौजूद है और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है, रात को 12 बजे और तकरीबन 12:30-1 बजने का टाइम हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि सर तकरीबन जो दोपहर की बारिश थी, 4-5 बजे की बारिश थी, उसके बाद ये पानी अब जाके निकला है, तो मतलब कि उससे पहले जो लोग यहाँ से अजियत का शिकार थे, तो मामला तो ये होना चाहिए ना कि जब पानी बारिश आ रही है तो पानी उसी वक्त निकल जाना चाहिए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि अभी नाला बहुत नीचे है, जब ये बारिश का पानी यहाँ भरा होता है तो ये नाले से मिला हुआ होता है। उसूल असल मकसद कहने का ये है कि अभी तो आपने ये बात बोली कि भाई ये अपना इस तरह से मतलब कि हम रात को मौजूद हैं और अपना तनकीद हो रही है। देखिए तनकीद जब होती है तनकीद बिलावजह नहीं होती है, तनकीद उस लिए होती है कि ये नागन है, नागन चोरंगी हमेशा भरता है, तो उस भरने का आप एक निकालें ना जो उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न ये कि नाले चौक हुए हैं, जब बारिश आता है तो ये पानी फुल हो जाता है। अगर ये नाले चौक ना हो तो बारिश का होता रहे और पानी जाता रहे, जिस तरह के अंदर लाहौर में होता है कि बारिश के आधे घंटे के बाद पानी चले जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर बारिश के बावजूद भी पानी रहता है। तो अभी थोड़ा सा मजे आगे चलते हैं। अब वो जगह है जहाँ पर आप ही देख सकते हैं कि ये नाला बैठ गया है पूरा, मतलब कि नाला बैठा है और ये पूरी ब्लॉकेज है। जब ये पूरा ब्लॉक होता है, जब यहाँ से पानी जाएगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है नागन चोरंगी पूरा भर जाएगा। तो अभी आप ये सूरत हाल देखें, इस वक्त मुर्तजा वहाब साहब ने बोला कि भाई हम अब तनकीद ना करें और तनकीद कर रहे हैं बिला वजह। देखें ये नाला पूरा ब्लॉकेज है, ठीक है, जब ये अभी तो खैर पानी ये जितना हो सके चला गया है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक एक मकामी भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आप यहीं होते हैं? सर मैं नॉर्थ में रहता हूँ, ठीक है, नॉर्थ कराची का हमारा एरिया है, ठीक है। बहुत सारे फेमस यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी आती है, एमकेएम भी आती है, जमात इस्लामी भी है, दूसरे लोग हैं, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चाहे वो मुर्तजा वहाब साहब हो जो यहाँ के मेयर हैं। एक चीज नागन से सालों साल होगा, इस बात को यहाँ
सन 2008 से लेके अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। आप ये देख सकते हैं, जो हमारी आवाम है वो देख सकती है कि पूरा गुजर नाला जब बन चुका है तो ये ब्लॉकेज जो आ रही है, ये कचरा सारा आप देख रहे हैं, ये पानी आगे नहीं जा रहा, ये आगे नहीं जा रहा, ये ब्लॉक है। अब जो ये लाइन ब्लॉक है तो ये पूरा एरिया जो नॉर्थ का जो नागन चौरंगी का एरिया है, पीछे पावर हाउस, ये यूपी से लेके ये सारा जो है ना ब्लॉक है। आप इसको क्लियर करें, आप कचरा उठवाएं तो आपको लोग मानेंगे कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है और काम करके दिखा रही है। तो मैं भाई के चैनल के थ्रू ये बात कहना चाहूँगा कि अपनी एफर्ट दिखाएं और इस चीज़ को आगे लिखें। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी स्लोली स्लोली आ रहा है और आगे जितनी गंदगी है, अभी आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको चलने में कितनी परेशानी होगी। और ये ग्रीन लाइन का पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, वो भी क्लियर नहीं है भाई। उसूल तो ये है कि जब बारिश हो जाए, जब ये नाले क्लियर होंगे तो पानी रुकेगा ही नहीं, बिल्कुल पानी चले जाएगा। जब आपने इतना पैसा लगा दी तो आपको ये लाइनें क्लियर करनी चाहिए। तो आप रात को 12 बजे आ जाएंगे, बोला पानी किधर है, पानी चला गया। सुबह के टाइम पे जो हाल था, तो यहाँ पे आपका चलना तो बहुत दूर की बात, हम यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। ये बाइकें पूरी पूरी बाइकें डूब गई, कारें डूब गई, यहाँ गुजरना बहुत मुश्किल था। तो ये चीज अब रात को 1 बजे सब सारा पानी निकल गया, तो आप आएंगे तो कैसे करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि सारा पानी ये नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी सलीम सेंटर से सुरजानी से आ रहा है और ये सारा नागन की तरफ जा रहा है। अभी तो ये हालत बहुत बेहतर है, शाम की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर और ख़राब थी। मुर्तज़ा वाब साहब अभी आए हैं रात को 12:30 बजे और ये कह रहे हैं कि भाई आप तनकीद कर रहे हो, और देखिए तनकीद तो होगी ना, जब काम गलत होगा तनकीद होगी। देखें इसके ऊपर आप देखें रोड के ऊपर कितना कचरा है, कितनी गंदगी, कीचड़ है। अब आप सोचें किस तरह से लोग यहाँ से गुजरे होंगे, ये आप देख सकते हैं ये हालत है। पुल की हालत देखें आप, ये देखें लोग देखें किस तरह से गुजर रहे हैं और अभी भी पानी मुस्तकिल आ रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, इस वीडियो को शेयर करें। आप देखें हालत देखें, ये हालत है इस वक्त नॉर्थ कराची की। और सामने लाज रेस्टोरेंट है, इस वक्त मैं बिल्कुल नागन से आगे जा रहा हूँ यूपी मोड़ की तरफ, और मुर्तज़ा वाब साहब अभी पावर हाउस चौरंगी गए तो उनको वहाँ भी जाके हम देखते हैं कि वो वहाँ क्या कहते हैं। बल्कि ये देखें यहाँ पर आए हुए मुर्तज़ा वाब साहब, ये रहे, ये आप देखें पानी के बहाव देखें कितना तेज है यहाँ पर। और मुर्तज़ा वाब साहब अभी इस साइड इसी जगह पर आए, वाब साहब इस वक्त मेन अलहाज रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं रात को 12:30 बजे। और ये जो सूरत हाल का सामना था, ये तकरीबन शाम को इतना खतरनाक था यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक अभी भी आ रहा है और कितना पानी है, आप यहाँ देखें कितना पानी है इतनी रात को, और अभी भी देखें नागन का पानी अभी भी गया नहीं है। ये हालत है इस वक्त यहाँ की। बाकी मतलब आप सब से थोड़ा सा पूछते हैं यहाँ पर भी अगर बात होती है तो। आप देख सकते हैं कि ये नाले को यहाँ पर अपना ये रोड डला हुआ है, इसको नाले को खोद रहे हैं इसको, ताकि ये पानी इसके अंदर डाल सकें वो आगे निकले। लेकिन आगे भी लॉस लाइन चौक है, जब यहाँ से पानी आगे जाएगा तो आगे से पानी निकलेगा, जब आगे चौक है तो आगे से पानी कहाँ से बाहर निकलेगा।